मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ उमरी डैम सामने नागपुर, भूल न जाना शिव तीर्थ आना। रामदास पेज के पुलिया निर्माण में हो रही देरी की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पवार ने आज आंदोलन कर पुलिया निर्माण में हो रही देरी पर जवाब मांगा है। रामदास पेज परिसर का पुल करीब 2 साल पहले बारिश की वजह से बह गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे बनाने का मन बनाया, जिसका काम पिछले कई माह से चल रहा है। इस काम का वक्त 31 अक्टूबर को खत्म हो गया है, मगर अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं है, जिस वजह से कई राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को तूल दे रही है। आज अजीत पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पवार ने आंदोलन कर पुल को बनाने में हो रही देरी को उजागर किया है। उनका कहना है कि ठेकेदार के राजनीतिक रिश्तों की वजह से काम में हो रही देरी को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक पुलिया बनाने में साल भर से ज्यादा का वक्त लग गया है, मगर अभी तक पूरे तरीके से पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। जरूरत है कि वक्त में निर्माण हो जाना चाहिए, ताकि राशि में पुलिया के निर्माण हो जाए। इस देरी की वजह से निर्माण राशि तो बढ़ती ही है, साथ ही भ्रष्टाचार भी होता है। ऐसे में संबंधित विभाग ने ठेकेदार पर नियंत्रण रख काम को जल्द करने के लिए कदम उठाना चाहिए। मतलब पुलिया है, हाँ बंद है, आणि ज्याच्यामुळे नागपूरच्या जनतेला जो त्रास सहन करावा लागत आहे त्याच्या करता म्हणून आज हे आंदोलन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष करत आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या इतका लहानसा पूल बनवायला जर 2-2 वर्ष लागत आहे आणि त्याच्यानंतर याची तारीख संपली आहे 31 तारखेला आणि परत त्यांना एक्सटेन्शन मिळालेलं आहे, ते एक्सटेन्शन कशा करता? हा पुलाचा जो ठेकेदार आहे हा कोण आहे? हा कोणत्या खासदाराचा भाऊ आहे? हे सगळ्यात पहिले आपल्याला पाहावं लागेल। त्याच्या विरोधामध्ये म्हणून आम्ही हे आंदोलन करत या रामदासपेठच्या नागरिकांना ज्या पद्धतीनं त्रास सहन करावा लागत आहे, इवन नुसतं नागरिकांनाच नाही तर या शहराच्या नागरिकांना सुद्धा त्रास सहन। या आंदोलनात जोपर्यंत इथं कॉर्पोरेशनचे अधिकारी येणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। वेळ आले तर अजून आमच्या इथं कमीत कमी 100-200 लोक थोड्या वेळात येणार आहे, मग याची जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन आणि पोलीस प्रशासनाची राहील असं आम्ही या ठिकाणी सांगतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश रंकलवार, BCN न्यूज नागपूर।